हर संसदीय क्षेत्र में जाकर के हर सांसद से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपने जो जितनी बार बजट कटा आपने हाथ कैसे उठाया, और इस बार हम आपको देखेंगे कि जब बजट आएगा तो आप हमारे समर्थन में वहां जाएं, उसमें हमारी समर्थन में बात रखें और वर्कर्स को पूरा वेतन देने का और इन बच्चों और महिलाओं से संबंधित जो स्कीम्स हैं इनके लिए पर्याप्त बजट के लिए आप आवाज उठाएं। तो इसको लेकर के हर संसदीय क्षेत्र में, देश के हर संसदीय क्षेत्र में हमारे जो स्कीम वर्कर्स हैं वो संयुक्त कार्यक्रम के दौरान सांसदों से बातचीत करेंगे, उन्हें ज्ञापन देंगे और नजर भी रखेंगे कि जब बजट आए तो बजट में क्या आ रहा है और हमारे सांसद क्या बोल रहे हैं। अब मैं एक और जो दूसरी महत्वपूर्ण स्कीम है, मिड डे मील स्कीम, उसके भी हमारे स्थापना महासचिव, मिड डे मील फेडरेशन ऑफ इंडिया के स्थापना महासचिव कॉमरेड जय भगवान और वर्तमान में उपाध्यक्ष, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो, ये तो बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है, सारा देश जानता है मिड डे मील स्कीम और पुरानी स्कीम है, लेकिन इसकी क्या स्थिति है और हम 6 जनवरी को क्या मांगे लेकर के सांसदों के पास जा रहे हैं। कॉमरेड जय भगवान। शुक्रिया वीना जी। मैं सबसे पहले मिड डे मील वर्कर फेडरेशन की ओर से तमाम साथियों को जो इस फेसबुक पेज को देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, उनको नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए और इस बात के लिए आशान्वित होते हुए कि जो साल है ये मेहनत कश आवाम के लिए, उसके संघर्षों का और उनके लिए जीवन परिस्थितियां बेहतर हो, इसके लिए वो कुछ हासिल कर पाएंगे और सत्ताधारी जो दल जो राज में बैठे हुए हैं, जो सत्ता बैठी हुई है, वो कम से कम अपने जो मेहनत कश आवाम है उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ कदम उठाएंगे। निश्चित तौर पर यह संघर्षों से ही होगा। और जब हम मिड डे मील वर्कर्स की बात करेंगे, मिड डे मील स्कीम की बात करेंगे, तो देश में इस समय पर लगभग 26 लाख के करीब मिड डे मील वर्कर काम कर रही हैं और इसमें अधिकतर जो महिलाएं हैं, और वो महिलाएं गांव शहर के गरीब तबकों से हैं, दलित आबादियां हैं, पिछड़ी आबादियां हैं, आदिवासी महिलाएं हैं, एकल महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, जो एक प्रकार से स्कूल जब शुरू होता है, स्कूल में वो एंट्री करती है, जब छुट्टी स्कूल की होती है तब उनको स्कूल से छुट्टी मिलती है। और यही काम नहीं है बल्कि मिड डे मील के अलावा उनको, क्योंकि हमारे देश के जो सरकारी स्कूलों का जो ढांचा है, जो सरकारों के द्वारा जो रुख अपनाया गया है सरकारी स्कूलों के प्रति, तो उसमें प्राइमरी स्कूल्स में अभी जो प्राथमिक विद्यालय है उनके अंदर अभी कोई फोर्थ क्लास स्टाफ की कोई नियुक्ति नहीं है। इसलिए मिड डे मील कुक्स को जो है अपने मिड डे मील के अलावा बढ़ाने के अलावा उनको बहुत सारे काम ऐसे स्कूल के स्तर पर करने पड़ते हैं जो फोर्थ क्लास स्टाफ की एब्सेंस है वो नहीं है उसकी वजह से, तो बहुत सारे बेकार हैं। तो ये है मिड डे मील वर्कर जो है जो काम करती हैं। और बुनियादी तौर पर 1995 में ये योजना एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई थी, बाद में धीरे धीरे करते 2005 तक पूरे देश के अंदर सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त जितने भी स्कूल हैं उनमें 8वीं क्लास तक के बच्चों को भोजन, दोपहर का भोजन देने की योजना है। और इसके पीछे जो प्रमुख उद्देश्य था वो ये था कि हमारे देश में भूखमरी, गरीबी इतने बड़े पैमाने पर है, तो कम से कम एक समय पर बच्चों के लिए ऐसा पोषित भोजन उपलब्ध करवाया जाए ताकि उनके अंदर कुपोषण की समस्या को एक हद तक दूर किया जा सके और स्कूलों में ड्रॉप आउट की जो समस्या है, क्योंकि गरीब जो मजदूर परिवार है वो अपने बेटा बेटी को स्कूल में इसलिए नहीं भेजते क्योंकि उनके लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते, उनको खुद को मजदूरी पर जाना पड़ता है, तो कम से कम स्कूल में जाने के बाद बच्चे जो के उस कार्य से वो रिलीव हो पाएंगे, मुक्त हो पाएंगे। ये दो प्रमुख योजना रही है और इसने बहुत अच्छे प्रतिमान स्थापित किए हैं दुनिया के अंदर। ऐसी पहली एक ऐसी इतनी बड़ी पैमाने पर योजना है जो एक तरीके से जन दबाव के अंदर शुरू की गई और उसमें हमारे देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि स्कूलों के अंदर ताजा बना हुआ भोजन बच्चों को उपलब्ध करवाया जाना चाहिए, वरना उससे पहले ये कच्चे राशन के रूप में भी उपलब्ध करवाया जाता था। तो इस स्कीम के शुरू होने के बाद बहुत सारे ऐसे सर्वे आए जिसमें इसकी जरूरत को रेखांकित किया गया और खासकर ऐसे टाइम में जब हम इस दौर की बात करें, कोरोना के बाद हमारे देश में पोषण की जो स्थिति है, गरीबी की जो हालत वो काफी बढ़ी है और पोषण की समस्या ने संकट का रूप लिया है। अभी विश्व भूख सूचकांक मतलब हंगर इंडेक्स जो है दुनिया के, वो ये बता रहे हैं कि हमारा देश जो है 116 देशों में 107वें नंबर पर पहुंच गया है। वर्स्ट कंडीशन हमारे देश की भुखमरी के मामले में, क्योंकि कोरोना की जिस ढंग से लागू किया गया उसके बाद जो है आबादियों का बहुत पलायन हुआ, रोजगार छूटे हैं, तो उसी ने संख्या इस स्थिति को और भयावह बनाया है। तो ऐसे समय पर जरूरत इस बात की है कि भाई इस योजना को विस्तार किया जाए, इसके अंदर पर्याप्त बजट आवंटित किया जाए। लेकिन
जो कुल मिला के सरकार का रुख है भारतीय जनता पार्टी के रूप में जो आज राज में है 2014 के बाद से लगातार हम देखेंगे कोई भी ऐसा बजट नहीं आया जिसमें मिड डे मील के बजटीय आवंटन में कटौती नहीं की गई, तो ये क्या है। दूसरा, अभी एक और फैसला जो है बीजेपी की सरकार ने किया है, खासकर 2022 के सितंबर में उन्होंने फैसला किया कि इस योजना का नाम बदल के मिड डे मील पोषण योजना, मतलब मिड डे मील योजना के बजाय प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना या पीएम पोषण योजना के नाम से इसका नामकरण चेंज कर दिया। और उसके पीछे मुख्य उद्देश्य ये है कि ये जो स्कीम थी जिसका इतना बड़ा प्रभाव था इसके बजाय इसको प्रधानमंत्री की शख्सियत से जोड़ दिया जाए और पोषण शक्ति निर्माण के नाम पर इस योजना में जो दोपहर का भोजन जो एसेंशियल है, जो बहुत जरूरी है कि स्कूल के अंदर ही वो ताजा बना भोजन उसको उपलब्ध करवाया जाए, ये एक उससे अपने आप से उसे बाहर करने का रास्ता ये किया जा रहा है सोची समझी साजिश के तहत। इसके अलावा बीजेपी की सरकार ने एक और, क्योंकि ये मिड डे मील योजना जो है दोपहर का भोजन जो योजना है वो राइट टू एजुकेशन शिक्षा के अधिकार के साथ जोड़ दी गई, राइट टू फूड का अधिकार के साथ जोड़ी गई है, इसलिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें इन्होंने कानूनी प्रावधान करते हुए मतलब इस योजना के अंदर केंद्रीय रसोई घर को शामिल कर दिया गया, ये कानून के अंदर बदलाव कर दिया। तो बहुत सारे ऐसे बदलाव किए गए हैं ताकि जो बड़े कारपोरेट्स हैं, जो एनजीओज हैं, जो एक प्रकार से जो लूट है, जो पैसे की लूट हर एक एरिया के अंदर जो चली हुई है अभी देश के अंदर कारपोरेट्स की लूट, वो इस योजना के अंदर भी उस लूट को बढ़ावा दिया जा सके, ऐसे प्रावधान जो है ना केवल कानून बदल के बस बल्कि इस योजना का नाम बदल के भी ऐसा किया गया है जो बीजेपी की सरकार के द्वारा। और इससे जो है संकट काफी बड़ा है, कई राज्यों के अंदर जो है इसको लेके काफी आंदोलन भी हुए हैं, हालांकि इस बारे में दो तीन स्थानों पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने कहा है कि वर्कर्स का रोजगार नहीं जाएगा, बावजूद इसके इसका कोई विकल्प नहीं है कि स्कूल में बना हुआ ताजा भोजन जो मिड डे मील वर्कर खुद बनाती है, और ये पूरे देश के आंकड़े हैं कि जहां पर स्कूल के अंदर भोजन बनता है वो इतना स्वादिष्ट है, इतना पौष्टिक है कि वो टीचर्स भी उसको खाए बिना नहीं रहते, मतलब उनकी भी इच्छा होती है कि उस भोजन को किया जाए, तो इतना बेहतर एक व्यवस्था डेवलप हुई, लेकिन उसको पूरी तहस नहस करने की एक पूरी प्रक्रिया जो है वो बीजेपी के राज में अभी वो चली हुई है। तो ये एक हम देखें। दूसरी बात जो है जो संकट इस योजना के सामने, एक तो वित्तीय बजट आवंटन नहीं है, दूसरी बात यह है कि हम जो मांग कर रहे हैं वो मांग ये कर रहे हैं कि क्योंकि पोषण की समस्या केवल आठवीं तक के बच्चों को नहीं है, ये जो हमारे जो स्कूली बच्चे हैं उन सभी के लिए इसको इसका प्रावधान किया जाना चाहिए, बारहवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए किया जाना चाहिए, और ना केवल लंच बल्कि ब्रेकफास्ट भी वहां पर इसके लिए दिया जाना चाहिए। तो ये हमारी प्रमुख रूप से ये मांग रही है, इस समय पर और ज्यादा जरूरत पड़ जाती है जब जो है ये कुपोषण की समस्या बड़े पैमाने पर बढ़ रही है, तो इसमें ज्यादा बजटीय आवंटन की जरूरत है, लेकिन सरकार इसके अंदर कटौती कर रही है, और इसका एंजुअलाइजेशन करने के बाद जो है इसका पीएम पोषण करने के बाद सरकार जो है वो जिस प्रकार से इसका हस्तांतरण एक तरीके से पैसे के रूप में हस्तांतरण जो है करने की दिशा वो सरकार की वो बढ़ रही है, वो इस दिशा में आगे बढ़ रही है। एक और इसी बीच में बीजेपी सरकार जो इस सत्ता में जो बैठी हुई है वो लेके आई है योजना नई शिक्षा नीति 2020। अब उसके दो मकसद है उस योजना के, एक मकसद है देश की बहुमत आबादी को शिक्षा के अधिकार से वंचित करना ताकि कोई बड़ी संख्या में पढ़ी लिखी जमात ही पैदा ना हो जो रोजगार की बात करे, जो तर्क से बात करे, जो विज्ञान की बात करे, इसलिए लोगों को अनपढ़ रखना है, इसलिए स्कूली व्यवस्था को तहस नहस करने का और पूरे ऊपरी जो शिक्षा व्यवस्था है हायर एजुकेशन को भी जो है बर्बाद करने का रास्ता तैयार किया नई शिक्षा नीति के नाम पे। अब इसके परिणाम के रूप में क्या हो रहा है, जैसे हम हरियाणा का ही जिक्र करेंगे तो पिछले एक साल के अंदर 5,000 स्कूल मर्ज कर दिए गए हैं या बंद कर दिए गए, उनमें अधिकतर वो स्कूल हैं जिन जो लड़कियों के स्कूल हैं जहां लड़कियां पढ़ती थी, कम बच्चों की संख्या के नाम पे मर्जर किया, रैशनलाइजेशन किया गया है, और नई शिक्षा नीति में प्रावधान किया गया है कि वो कैंपस स्कूल होंगे। अभी तक बच्चे जो है बच्चे के नजदीक स्कूल होता तो बच्चा उसमें जा सकता है, मजदूर परिवार अपने बच्चे को पढ़ा सकता है, अब मोड कैंपस स्कूल होंगे मतलब 5-10 किलोमीटर के एरिया में कोई बड़ा स्कूल होगा जहां पेरेंट्स को अपने बच्चे को भेजना पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति में मतलब स्कूल बंद कर दिए गए और ये अलग अलग राज्यों के अंदर ये हो रहा है, बड़े पैमाने पर स्कूलों को बंद किया जा रहा है, उससे ना केवल जो स्कूलों में बच्चों की संख्या मतलब एक तरीके से घट रही है, उनकी शिक्षा का अधिकार जो उनका खत्म हो रहा है, बल्कि जिन स्कूलों को बंद किया जा रहा है वहां मिड डे मील वर्कर जो काम कर रही थी उनकी नौकरियां जा रही है, मतलब हजारों की संख्या में जो है हर महीने नौकरियां वो मिड डे मील वर्कर की खत्म की जा रही है।
तो ये अपने आप में बड़ा एक मुद्दा अपने आप में बनता है। तीसरी बात है कि आज के दिन मिड डे मील वर्कर को मिल क्या रहा है। अगर हम बात करेंगे तो इस समय पर जो है केंद्र की सरकार जो है वो केवल 600 रुपए पर मंथ देती है केवल 10 महीने के लिए मिड डे मील वर्करों को। ये बड़ा हास्यास्पद लग सकता है लेकिन ये वास्तविकता है। 2009 में 1000 रुपए फिक्स किया गया था मिड डे मील का मानदेय केंद्र की सरकार के द्वारा और 2014 में उस मानदेय का 40% स्टेट गवर्नमेंट पर डाल दिया गया। आज कायदे से वैसे तो 1000 केंद्र सरकार की ओर से घोषित है लेकिन उसमें से केवल 600 रुपए 600 रुपए जो है केवल सेंट्रल गवर्नमेंट पे कर रही है मिड डे मील कुक के लिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि और ये ज्यादातर राज्यों में हमारे देश के ज्यादातर राज्यों के अंदर और खासकर जो हिली स्टेट्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं और बहुत सारे गरीब राज्य हैं वहां पर 1000 रुपए में आज कैसे कोई गुजारा कर सकता है। आप अंदाजा लगाइए जब सुबह से 8-9 बजे से लेकर 2-3 बजे तक स्कूल में रहेगा तो और कहीं भी काम नहीं कर सकते तो कौन अपने परिवार का गुजारा 1000 रुपए में कर सकता है। कई सारे राज्यों के अंदर लड़ाइयां लड़के कुछ छुटमुट राहतें हासिल की हैं लेकिन बुनियादी तौर पर जब हम इतना महत्वपूर्ण पक्ष है इसके बिना जो मिड डे मील वर्कर जब स्कूल के अंदर भोजन तैयार करती है तो वो केवल अपना रोजगार नहीं चलाती बल्कि वो देश के भविष्य को तैयार करती है। वो ऐसे उन बच्चों को अलग अलग एरिया के अंदर जाना है वो कोई मजदूर बनेगा कोई कर्मचारी बनेगा कोई सेना के अंदर जाएगा कोई नौकरी करेगा कोई खेत में काम करेगा तो वो एक तरीके से भविष्य की वो तैयार कर रहे हैं। तो उस काम के लिए जो आवंटन किया जाना चाहिए जबकि हमारे यहाँ पर खाद्यान्न की हमारे यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है बल्कि उस पैसे को लुटवाया जा रहा है अपनी पूंजीपति कारपोरेट्स के यारों के लिए उनके बैंकों के कर्जे लाखों करोड़ रुपए कर्जे माफ किए जा रहे हैं जबकि मिड डे मील के लिए केवल हमारे देश की जो सरकार है वो सालाना औसतन पिछले अगर 5 साल का अगर हम 7 साल का अध्ययन करेंगे तो औसतन वो 8.5 करोड़ रुपए भी सालाना वो खर्च नहीं करती जिसमें आप ये देखिएगा कि 12 करोड़ बच्चे हैं जो भोजन पाते हैं 12 लाख के करीब स्कूल हैं 25 लाख मिड डे मील वर्कर्स काम में लगे हुए हैं। इस पूरे सिस्टम के लिए इस पूरी व्यवस्था को मैनेज करने का जो ढांचा है उसके लिए केवल साल में बजट आवंटन है केवल 8.5 करोड़ रुपये का और वो भी पूरा पैसा खर्च नहीं किया जाता। ये है हमारी सरकार का रुख इतनी बड़े संकट के लिए और उसमें भी एक तरीके से वित्तीय वो संसाधनों के अंदर वो कटौती की जा रही है बजट के अंदर कटौती की जा रही है। और मानदेय बढ़ोतरी की बात जो है जो 45वां श्रम सम्मेलन आया उसने कहा कि तमाम स्कीम वर्कर्स को जिसमें मिड डे मील वर्कर्स भी है उनके लिए आप जो है व्यवस्था कीजिए उनको कर्मचारी मानिए मजदूर मानिए उनके लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित कीजिए सामाजिक सुरक्षा की गारंटी कीजिए। अब बात यह है कि कोई वर्कर जो है अगर उसकी डेथ हो जाती है काम करते हुए डेथ हो जाती है उसके लिए कोई कंपनसेशन नहीं है किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। आप न्यूनतम वेतन की बात कीजिए 1000 रुपए में कैसे गुजारा कर सकते हैं। रिटायरमेंट जो है 60 साल के बाद जो है कोई गाइडलाइन नहीं है 60 साल के बाद जो है वर्कर्स को रिटायर कर दिया तो रिटायरमेंट पर किसी प्रकार की कोई बेनिफिट नहीं है। वो अगर घायल हो जाए काम करते उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये पूरा का पूरा एक अपॉइंटमेंट की जो अथॉरिटी है उसके बारे में जो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिन पे काम किए जाने की जरूरत है लेकिन ये है कि महिलाएं हैं इतना बड़ा हिस्सा है ठीक है कि उनसे आप फ्री में आप काम करवा सकते हो। ये एक प्रकार से मिड डे तमाम स्कीम वर्कर्स का और मिड डे मील वर्कर्स का उनकी मेहनत की लूट का मामला है और ये कुछ नहीं है। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि भाई आप जो है बच्चों के लिए 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए मिड डे मील योजना लागू करो उसमें सुबह का और दोपहर का ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ही आइटम उसके अंदर आप दिए जाएं उसके अनुरूप मिड डे मील वर्कर्स की संख्या बढ़ाइए। किसी मिड डे मील वर्कर्स को जो है आप नौकरी से मत हटाइए रिटायरमेंट बेनिफिट उसका हो और कम से कम न्यूनतम वेतन तो उसको दिया ही जाए। और हम ये भी कह रहे हैं हमने ये प्रस्ताव दिया है मिनिस्टर के सामने कि कुछ और काम जो है छुटमुट काम किए जा सकते हैं ऐसा मिड डे मील की इस योजना के लिए और इवन की अगर लंच और ब्रेकफास्ट दोनों दिए जाएंगे तो काम उसमें काफी हो सकता है। तो आप उसके हिसाब से आप न्यूनतम वेतन तय कीजिए मिड डे मील वर्कर का जो जिन राज्यों के अंदर राज्य सरकारों के न्यूनतम वेतन है उससे कम तो किसी भी मैंडेटरी हो केंद्र सरकार की ओर से जारी हो कि किसी भी राज्य के अंदर मिड डे मील वर्कर का न्यून वेतन जो है मानदेय वो न्यूनतम वेतन से कम नहीं होगा। तो इस आधार पर जो है वो किया जाना चाहिए और हमारे देश के सांसद जो हैं जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं जो संसद के अंदर बैठते हैं जहां ये कानून बनते हैं जहां बजट पास होता है वो क्या करते हैं उनको भी तो सोचना चाहिए ना कि वो वोट लेने के टाइम पर तो आते हैं तो संसद के अंदर कोई जवाबदेही तो होगी। हिंदुस्तान की जो 1 करोड़ की जो आबादी ज्यादातर महिलाएं हैं स्कीम वर्कर्स हैं
उनकी जो काम की स्थिति इतनी खराब है, उनके लिए कोई ना तो काम, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा है ना उनकी आर्थिक सुरक्षा है। तो उसके लिए जो सरकार अपने दावे करती है महिलाओं को अधिकार देने की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारे जिस ढंग से दिए जाते हैं, आप करते क्या है? इसलिए जो है ये जो जुमलेबाजियां हैं, ये जो कारपोरेट की लूट को बढ़ाया जा रहा है, हम ये कह रहे हैं ये देश की जनता है जिस जनता ने आपको चुना है और आप उसकी नुमाइंदगी करते हैं, तो आप आवाज उठाइए और इस बात को लेके मिड डे मील वर्कर्स पूरे देश के अंदर 6 जनवरी को अपने सांसदों के यहाँ वो प्रदर्शन करेंगी, अपना मांग पत्र देंगी और हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि वो बजट में प्रॉपर वित्तीय प्रावधान करें और तमाम स्कीम वर्कर्स के लिए न्यूनतम वेतन की घोषणा इसी बजट से की जानी चाहिए। और मुझे, मैं अपील करता हूँ देश की तमाम मिड डे मील वर्कर्स से कि वो 6 जनवरी के प्रदर्शन के अंदर बड़े पैमाने पर जो प्रदर्शन होंगे उसकी हिस्सेदारी करें और देशव्यापी जो आह्वान होगा 5 अप्रैल को जो किसान मजदूरों का बड़ी रैली होगी दिल्ली में, उसके लिए भी अभी से तैयारी हम शुरू करें। धन्यवाद साथी जय भगत।